पीएमसी बैंक घोटाले मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीएमसी बैंक के खाता धारकों को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला पीड़ितों के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार इस विषय पर चिंतित है और जरूरी कदम उठा रही है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लगभग 15 लाख लोगों के फंसे हुए रुपयों पर दिशा निर्देश मांगने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिनका पैसा घोटालेबाज पीएमसी बैंक में फंसा हुआ है। इसके बाद उम्मीद लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई पर सहमति के बाद पीएमसी बैंक घोटाले के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने अपने फैसले में पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पीड़ितों को झटका दिया है। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर अपनी जमा पूंजी पर 100% बीमा मुहैया कराए जाने की मांग की थी। शुरुआती जांच में पाया गया था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक में 4,355 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने घाटे में चल रही HDIL कंपनी में सीधे 2,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। उन्होंने इस रकम को लोन के नाम पर HDIL को दिया था। जांच के बाद इस मामले में HDIL के मालिक राकेश और सारंग वधावन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। EOW राकेश कुमार वाधवान और सारंग वाधवान की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। RBI द्वारा बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में RBI को गलत जानकारी दी थी। RBI द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनमें यह भी कहा गया था कि लोग बैंक में अपना जमा राशि समिति दायरे से ही निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक में से एक है। जहां एक तरफ जनता सरकार के साथ अन्याय कर रही है, ऐसे हाल में लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहां से भी लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है। आम जनता को अपने ही पैसे को लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जनता की ना तो सरकार सुन रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।